असम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब की ली गई उन प्रतिज्ञाओं की जिनकी मदद से उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। उन्होंने ना केवल खुद को बौद्ध धर्म के शरण में लिया बल्कि अपने 10 लाख अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म की शिक्षा दिलवाई। 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने नागपुर के संस्था में 10 लाख लोगों के सामने बौद्ध धर्म को अपनाने की कस्में खाई। उन्होंने 5 वादे किए। पहला कि वह किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरा किसी से हिंसा नहीं करना, चौथा अपने से नीचे को समान मानना, पांचवा वह भी चार रखना और हिंसा ना करना। 15 अक्टूबर 1956 में उन्होंने अपने 10 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म में आने की दीक्षा दी। उन्होंने उन्हें ये कस्में दिलवाईं जो कि इस प्रकार थी। पहली कि वह किसी भी देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे, दूसरी वह ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानेंगे और उनका पूजन अद्याति कभी नहीं करेंगे, वे कृष्ण राम को भी भगवान नहीं मानेंगे और उनका पूजन नहीं करेंगे, मैं कभी ये नहीं मानूंगा कि भगवान ने कभी इस धरती पर जन्म लिया था, मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे, मैं कभी श्रद्धा नहीं रखूंगा, मैं कभी पिंडदान नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं अभिव्यचार नहीं करूंगा। बाबा साहब के इस कदम से हिंदू धर्म में काफ़ी हलचल मच गई थी, क्योंकि जिसके तहत बाबा साहब ने एक बयान दिया था कि हलचल इसलिए मच रही है क्योंकि उनके मल साफ करने वाला अब कोई नहीं रहेगा, ना ही उन मृत जानवरों के अवशेष उठाने वाला अब कोई बचा है, इसीलिए वो इतनी हलचल मचा रहे हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में अपनी आज़ादी और अपनी स्वतंत्रता के मार्ग पर हम अब जी सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।